कि जुलाई आ जाए, अगर डेट पे डेट मिलेगा कभी सफल नहीं होगा। और अभी अचानक से आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद तो विपक्षी एकता का जो एक प्लानिंग था वो सारा ठप। एडुकेशन मिनिस्टर है, उनमें कोई काबिलियत नहीं है, ना वो पशुपालन विभाग में जाने के, ना वो रेल, उनको वो चुपचाप से इस्तीफा देके धर्मगुरु का पद लेना चाहिए। आजकल वो रामचरित मानस पे बहुत बोलते रहते, आप पूरे साल भर काम नहीं करोगे, पूरे जीवन काल काम नहीं करोगे तो उलझुल बयान तो दोगे, उलझुल काम आप करोगे, झांसे पे झांसा, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। देखिए लोगों को, यूथ को गुमराह कर रहे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो समय है यूथ सब जाग चुका है, दे आर रेडी कि आगे उनको क्या करना है। इमरजेंसी लागू बिहार में होनी चाहिए, इमीडिएट रेजिग्नेशन की मांग करनी चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता देवयानी जी। देवयानी जी, नीतीश कुमार कभी विधायकों के साथ तो कभी सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या वो फिर से एनडीए की तरफ जाने के सपना देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात, नीतीश जी का जनाधार बोलिए, लोकप्रियता बोलिए, ट्रस्ट बोलिए, फेथ बोलिए, जो भी अच्छे अच्छे वर्ड्स डिक्शनरी में, उनके लिए ख़त्म हो चुका है। और विपक्षी एकता के मीटिंग के बाद मैंने पहले ही कहा था कि जुलाई आ जाए, अगर डेट पे डेट मिलेगा कभी सफल नहीं होगा। और अभी अचानक से आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद तो विपक्षी एकता का जो एक प्लानिंग था वो सारा ठप। तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास एनडीए में वापस आना, क्योंकि सारे उनके जितने एमएलए एमएलसी है सब उनके ऊपर एक अनड्यू प्रेशर बनाए हुए कि आपको वापस जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, भोपाल के बाद और यहाँ पे आपके जो अमित शाह जी जो आए थे, जगह का नाम मैं भूल रही हूँ, लखीसराय और आपका और एक जगह, तो वहाँ पे आके जो उन्होंने दहरा कि विपक्षी एकता के जितने भी घोटालेबाज है किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसके बाद कहीं ना कहीं ये खलबली मच चुकी है महागठबंधन की सरकार में। तो भाई वो सारे लोग जाके हमारे ऑनरेबल सीएम के सामने बोल रहे, सर आपने ये क्या बड़ी गलती की, काइंडली लौट चलिए एनडीए में। अब वो लौट के आना चाह रहे, अब देखना, देखने वाली बात भी है कि भाई बीजेपी उनको किन शर्तों पर वापस लेती है। एक तरफ देखा जाए कि पहले तो 4 साल तक इंतजार करते रहे, शिक्षक अभ्यर्थी की नियुक्ति पत्र मिलेगी, नियुक्ति पत्र मिलेगी, और जब मिलने की बारी आई तो परीक्षा का एडमिट कार्ड हाथ में थमा दिया गया, और वो भी अब संशोधन पर संशोधन किया जा रहा है, छात्र लगातार परेशान है। क्या इसलिए मैं आपको बताऊँ, हमारे बिहार के पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, इस सिस्टम के ऊपर अगर आपको लगाम लगाना है, जिस ढंग से आपने डोमिसाइल नीति लागू किया कि जो बाहर से इधर से उधर से शिक्षक आके पढ़ाएंगे, तो काइंडली सेम थिंग आप अप्लाई कीजिए मिनिस्टर्स के ऊपर। जो सक्षम होंगे, जो उस डिपार्टमेंट को संभाल पाएंगे, उन्हीं को वो जिम्मेदारी दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फिलहाल के जो क्या कहते हैं एडुकेशन मिनिस्टर है, उनमें कोई काबिलियत नहीं है, ना वो पशुपालन विभाग में जाने के, ना वो रेल, उनको वो चुपचाप से इस्तीफा देके धर्मगुरु का पद लेना चाहिए। आजकल वो रामचरित मानस पे बहुत बोलते रहते, आप पूरे साल भर काम नहीं करोगे, पूरे जीवन काल काम नहीं करोगे तो उलझुल बयान तो दोगे, उलझुल काम आप करोगे। और कहीं ना कहीं ये पूरे सिस्टम के साथ साथ पूरे यूथ के साथ वो खिलवाड़ कर रहे, तो कहीं ना कहीं इसका जवाब 2024 में 25 में 45-55% जो यूथ है वो देने वाला है। मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस बार कोई भी युवा सीएम के चेहरे पे तो वोट देंगे नहीं, दे आर रेडी टू वोट फॉर नोटा, बट कोई महागठबंधन की सरकार को वोट तो देगा नहीं, इतना मुझे पता है, क्योंकि रोज उनके साथ मेरी बातचीत होती है। तो उनका अपने करियर खा गए, उनके भविष्य खा गए, किसी का एज निकल गया, तो भैया कहाँ जाएंगे ये लोग? तो ये सारी चीज़ों से यही दर्शाता है कि अभी के गवर्नमेंट का जो आपातकाल है, अभी इमरजेंसी लागू पूरे विश्व में नहीं, सॉरी क्या कहते हैं, पूरे भारत में नहीं, इमरजेंसी लागू बिहार में होनी चाहिए, इमीडिएट रेजिग्नेशन की मांग करनी चाहिए। अगर देखी जाए तो सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि नौकरी 10 लाख देने की बात की थी, अभी तक नौकरी का आता पता नहीं है, 13 जुलाई को जो है हम लोग राजभवन पैदल मार्च करेंगे। क्या आप लोग का स्टेप क्या होगा? देखिए हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनेटली बीजेपी के अलायंस से तो हर एक चीज़ में उनके साथ है, और हम लोग भी उस मार्च में शामिल ज़रूर होंगे। और दूसरी बात, 10 लाख सरकारी नौकरी से बजट में 10 लाख नौकरी, फिर बीच में और एक हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम का बयान आया था 2 लाख नौकरी, कुछ नहीं करेंगे, झांसे पे झांसा, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। देखिए लोगों को, यूथ को गुमराह कर रहे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो समय है यूथ सब जाग चुका है, दे आर रेडी कि आगे उनको क्या करना है। ये बताइए कि एक तरफ पशुपति पारस का कहना है कि मैं आजीवन जो हूँ एनडीए के साथ रहूँगा, वहीं चिराग पासवान भी एनडीए के हिस्सा हैं। चिराग पासवान का कहना है कि हाजीपुर मेरी माँ है और मेरे पिताजी कहा करते थे, तो मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा, तो क्या उसके बाद फिर पशुपति पारस जी कहाँ जाएंगे अगर दोनों एनडीए के हिस्सा हों? नहीं, देखिए सही बात है, मैं आपको बताऊँ, अचानक से इतने सालों बाद उनको हाजीपुर मेरी माँ है याद क्यों आई? जमुई आपके माँ नहीं है? जमुई क्या है फिर? जमुई के सांसद हैं ना, जमुई क्या है फिर?
जम्मू ही अगर कुछ नहीं है तो फिर जम्मू में दावेदारी आपकी क्यों कर रहे हैं कि आपने स्कूल बनाया फलाना बना, डर क्यों रहा है आप जम्मू जाने पे? हाजीपुर से वो लड़ेंगे, डेफिनेटली लड़ेंगे, लड़ने में कौन रोक सकता है उनको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एनडीए से लड़ेंगे। उनका कहीं ना कहीं बातचीत महागठबंधन में चल रही है, या तो वो महागठबंधन में आरजेडी के साथ विलय कर लेंगे और वो वहाँ से लड़ेंगे, या तो फिर वो निर्दलीय लड़ेंगे। क्योंकि फिलहाल हम लोग के पास जो है न्यूज़ कि चिराग पासवान जी का करियर का जो डेथ वारंट है वो लेके बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेताए घूम रहे हैं, मुझे इतना पता है। तो जैसे अगर बात की जाए दोनों एनडीए, दोनों अगर एनडीए के साथ आते हैं तो फिर हाजीपुर से कौन लड़ेंगे? चिराग पासवान तो दावा कर रहे हैं इनका वो अभी। देखिए मैं आपको सच बताऊं कि हाजीपुर से हम ही लोग लड़ेंगे, चिराग पासवान जी का पता नहीं। फिलहाल मुझे जितना न्यूज़ है कि उनका पॉलिटिकल करियर का डेथ वारंट लेके ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नेता बीजेपी के बोलिए, हम लोग को जो सुनने में आया कि दे आर माने वो लोग वेट कर रहे हैं कि या तो आप जम्मू से लड़ो या तो फिर आप विलय कर जाओ। जहां तक की जानकारी प्राप्त हुई है कि मतलब मंत्री पद भी मिलने वाला है चिराग पासवान को, और आप कह रहे हैं डेथ वारंट। हम लोग तो लगातार 5 साल से सुन रहे हैं, अब मंत्री बन रहे तब मंत्री बन रहे, बन जाए फिर बात करेंगे। फिलहाल उनका पॉलिटिकल डेथ वारंट तो ये है कि वो ना हाजीपुर से लड़ रहे ना कहीं लड़ रहे, और अगर लड़ेंगे भी तो वो विलय करेंगे आरजेडी में, और आरजेडी में वो विलय करेंगे तो उनका पॉलिटिकल करियर समाप्त होगा, ये हम सब जानते हैं। ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता देवयानी जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि चिराग पासवान की राजनीतिक डेथ वारंट जो है वो निकल चुकी है, और वो हाजीपुर से भी अगर लड़ेंगे तो महागठबंधन या निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि एनडीए के तरफ से अगर कोई लड़ने वाला है तो पशुपति पारस लड़ेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना। We'll be right back.